देख रहे हैं नेक्स्ट मैन न्यूज। स्वागत है आप सभी का दर्शकों एक बार फिर से हमारे चैनल में, जहां हम आप सभी के बीच तमाम लेटेस्ट ट्रेंडी खबरें आप तक पहुंचाते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं, इस वक्त खबर ये आई है सबसे बड़ी बॉलीवुड के अभिनेता संजय दत्त को लेकर कि संजय दत्त न्यूयॉर्क नहीं जाने वाले हैं। वेल, खबर ये थी कि संजय दत्त अमेरिका के न्यूयॉर्क में मेमोरियल स्लोवान कैटरिंग कैंसर सेंटर में अपना इलाज कराने वाले हैं। संजय दत्त अपने कैंसर का इलाज उसी जगह कराएंगे जहां पर सोनाली बेंद्रे ने ओवेरियन कैंसर को मात दिया। संजय दत्त अपने लंग कैंसर को वही मात देंगे जहां पर संजय दत्त की मां नरगिस दत्त ने भी कैंसर का इलाज कराया, जहां उनकी पत्नी ऋचा शर्मा ने भी कैंसर का इलाज कराया। लेकिन अब नई खबर ये आई है कि संजय दत्त वहां पर इलाज नहीं कराएंगे। संजय को लेकर नई खबर कह रही है कि संजय मुंबई के कोकिला बेन अंबानी हॉस्पिटल में ही अपना ट्रीटमेंट कराएंगे। कारण यह है कि संजय दत्त के लंग का जो टेस्ट हुआ है, जो प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट चल रहा था, उसमें जो टेस्ट रिजल्ट का उन्हें इंतजार था, जिसके बाद ही उन्हें अमेरिका के लिए रवाना होना था, उस रिजल्ट के आने के बाद पता चला है कि संजय दत्त के लंग में जो फ्लूइड, 1.5 लीटर फ्लूइड जहां से निकाला गया था, वो 1.5 लीटर फ्लूइड निकाले जाने के बावजूद अब भी लंग के अंदर उतने ही फ्लूइड फिर से आ गए हैं। इसी कारण से संजय दत्त को अपने इस लंग की इस स्थिति में बाहर जाना मुश्किल है। इसके अलावा पैंडेमिक में उन्हें अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखना है और ऐसे स्टेज में, यानी कि लास्ट स्टेज कैंसर में, तेजी से बढ़ते कैंसर की वजह से उनके पास इतना वक्त नहीं है कि वो लंबा ट्रीटमेंट न्यूयॉर्क में जाकर कराए, वो भी कोरोना वायरस के काल में। तो आइए टेस्ट रिपोर्ट में, फ्लूइड रिपोर्ट में क्या कहना है डॉक्टरों का रिपोर्ट के आधार पर संजय दत्त की स्थिति को लेकर, ये जानते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त की फ्लूइड रिपोर्ट में जो जानकारी आई है उनकी हेल्थ को लेकर, वो काफी ज्यादा बड़ी है। मुंबई में ही दो कारण से वो अपना इलाज करा रहे हैं। पहला, कोरोना वायरस का संक्रमण से डर लगना। कोरोना वायरस के संक्रमण से उन्हें बचकर रहना है, क्योंकि ऑलरेडी उनके इम्यून सिस्टम में इतनी ताकत नहीं है कि वो दूसरी किसी बड़ी बीमारी से लड़ सके, क्योंकि लंग कैंसर अपने आप में ही बहुत ज़्यादा घातक बीमारी है। और वैसे भी संजय दत्त को चौथे स्टेज लंग कैंसर से जब जूझते हुए इसका इलाज कराना है, तो किसी प्रकार की और हानि वो अपने शरीर में नहीं ले सकते हैं और किसी भी बीमारी का भार वो नहीं उठा सकते हैं। ऐसे में संजय दत्त को आगे के इलाज के लिए अमेरिका जो जाना था, जहां सबसे बेहतर ट्रीटमेंट किया जा सकता है, वहां जाने के लिए तैयार तो थे संजय, लेकिन मुंबई में ही इलाज कराने का उन्होंने फैसला लिया। क्योंकि जो रिपोर्ट सामने आई है कोकिला बेन अंबानी हॉस्पिटल से, उसमें ये है कि संजय दत्त के लंग में फिर से फ्लूइड जमा गया है और तो और वो फ्लूइड बढ़ता ही जा रहा है, और इलाज में देरी किया जाता है तो स्वास्थ्य में बड़ा नुकसान उन्हें झेलना पड़ सकता है और वहाँ जाते हुए इलाज कराते हुए उन्हें काफ़ी लंबा समय लग सकता है। इस कारण से उन्होंने तुरंत यहीं पर इलाज शुरू कर दिया। दो हफ्ते में डॉक्टरों ने संजय दत्त के फेफड़े से 1.5 लीटर फ्लूइड निकाला। उन्हीं के एक दोस्त सुजीत जैन ने ये कहा कि वो अमेरिका जाने वाले थे, डॉक्टर जलित पारकर के अंडर संजय दत्त का इलाज चल रहा है, लेकिन अमेरिका जाने का योजना टाल दिया गया है, क्योंकि डॉक्टर का कहना है कि स्थिति इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं कि उन्हें इतना बड़ा रिस्क लेकर फिलहाल ट्रीटमेंट रोका जाए। इसलिए ट्रीटमेंट बिना रोके उन्हें तुरंत यहाँ पर इमरजेंसी में अपना ट्रीटमेंट कराना पड़ रहा है। यहाँ के शानदार डॉक्टर हैं कोकिला बेन अंबानी हॉस्पिटल के, जो कि संजय दत्त का इलाज कर रहे हैं। डॉक्टरों ने अपना काम शुरू कर दिया है और फ्लूइड को किसी भी तरह से कोई भी ज़्यादा बड़ी परेशानी ना हो, फ्लूइड और ज़्यादा ना बढ़े, इसके कारण से संजय दत्त की इस बीमारी का ख़ास तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। बताना हम आपको चाहेंगे, संजय दत्त की ये बीमारी वाकई में बहुत तकलीफ देह है, क्योंकि लास्ट स्टेज कैंसर में कीमोथेरेपी के अलावा उनके पास उपचार के लिए कोई और तरीका नहीं बचा है। यहाँ तक कि कहा जाता है कि लास्ट स्टेज लंग कैंसर में 5 साल से ज़्यादा सर्वाइव करना मुश्किल और नामुमकिन के बराबर ही अब तक माना गया है। तो संजय दत्त के पास
और भी ज़्यादा वक्त कम है अपना इलाज को कराने के लिए, और वो इस ऐसे में कोई भी लापरवाही अगर लेते हैं तो सीधा उसका असर उनके लंग कैंसर पर पड़ेगा, और इसके कारण वो अपने इलाज में और भी ज़्यादा नुकसान सह सकते हैं। संजय दत्त के फ्लूइड लंग में जमा होने के कारण उन्हें सांस में दिक्कत थी। पहले 8 अगस्त की तारीख को उन्हें इसलिए लीलावती हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था। उन्हें एक साइड से सीने में सांस नहीं आ रही थी और तो और काफ़ी ज़्यादा थकान भी हो रही थी, टायर्डनेस की वजह से परेशान थे वो। लंग में फ्लूइड को निकाला गया, फिर उनकी स्थिति सही हुई। आईसीयू में भर्ती थे संजय दत्त सांस न लेने की वजह से। अगर फ्लू इस तरह बढ़ता जाएगा तो संजय दत्त के लिए कीमोथेरेपी कराने के साथ जल्द से जल्द फ्लूइड निकालना और मुश्किल होगा डॉक्टरों के लिए। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का खास प्रोग्राम संजय दत्त को लेकर, बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त को लेकर। जो टेस्ट रिपोर्ट थे, जो फ्लूइड रिपोर्ट आए हैं, उसका क्या कहना है हमने आपको बताया, जानकारी हमने आपको दी है कि इसकी वजह से ही संजय अब तक नहीं रवाना हो पाए हैं न्यूयॉर्क। वहीं आपको बताना चाहेंगे कि 5 साल का उन्होंने वीजा तैयार कर लिया था। इमरजेंसी केस हो, अगर इन केस ऑफ ट्रीटमेंट की बात हो तो उन्हें जाने का मौका मिल जाएगा, लेकिन स्थिति इतनी गंभीर है और उनके लंग की स्थिति इतनी नाजुक है कि वो इस वक्त किसी भी तरह की लापरवाही नहीं कर सकते हैं। यही कारण है कि हॉस्पिटलाइज्ड है संजय दत्त। वैसे संजय दत्त के लिए इस वक्त मुसीबत एक नहीं, अपनी बाकी फिल्मों को लेकर, तोरबाज, केजीएफ चैप्टर 2 और भुज द फ्राइट्स के अलावा पृथ्वीराज चौहान, ये कुछ फिल्में हैं जिसके लिए संजय दत्त को अभी प्रिपरेशंस भी करनी होगी इस स्थिति में। और तो और, उनकी फिल्म सड़क 2 जो रिसेंटली रिलीज हुई है, अब तक की सबसे ज्यादा लोएस्ट रेटिंग पाने वाली ये फिल्म बन चुकी है। सिर्फ 1.1 रेटिंग मिली है इस फिल्म को। बॉलीवुड में इससे कम रेटिंग पाने वाली कोई भी फिल्म नहीं थी। आईएमडीबी के मुताबिक इस फिल्म को रेटिंग जो मिली है ये बहुत कम है, और हॉटस्टार पर इस फिल्म को सबसे ज्यादा नापसंद किया जा रहा है। कुछ तो ये भी कह रहे हैं कि सड़क 2 को देखने के बजाय आप सड़क को ही रिपीट देख सकते हैं। कॉमेंट्स लगातार इस फिल्म को लेकर नेगेटिव ही आ रहे हैं। तो संजय के लिए ना तो फिल्मी सफर इस वक्त आसान है, ना तो उनकी करियर में कोई बहुत बड़ा चढ़ाव है, और ना ही हेल्थ को लेकर उन्हें किसी भी तरह की रिकवरी का अब तक फल मिल पाया है। तो संजय फिर भी संघर्ष कर रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि उनका संघर्ष का समय बहुत जल्द खत्म हो और इस बीमारी को वो मात दे सके। फिलहाल लेंगे आपसे यही इजाजत। देखते रहे बॉलीवुड टाउन की हर खबर हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।